नंबर तीन गुरुदेव गुरुदेव कैसा है? गुरु का काम क्या है? हमेशा प्रवचन देना। नंबर तीन वाला व्यक्ति आपको प्रवचन देखता हुआ ही मिलेगा, ज्ञान देता हुआ ही मिलेगा, जिसके दोस्तों में नंबर तीन जिसका हो, अरे यार ये तो ऐसे कर लो सही हो जाएगा, पता हो या ना हो, पता हो अपनी बात बोलनी ही बोलनी है नंबर तीन ने। ऐसा नंबर तीन वाला व्यक्ति अपनी बात बोले बिना रुक ही नहीं सकता। जब तक उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया सिस्टम में, उसको लगे मैं तो कुछ किया ही नहीं। जिसके फ्रेंड सर्कल में नंबर तीन होता हो वो व्यक्ति देख लेना नंबर तीन। अच्छा एक चीज बताता हूं, थोड़ी सी पहचान बताता हूं। नंबर दो वाला क्या व्यक्ति ना आमतौर पर आपको राउंड शेप मिलेगा, थोड़ा सा गोलाकार मिलेगा और सफेदी पे होगा। नंबर एक वाले का जो व्यक्ति का जो हो ना शरीर लंबा होगा, मतलब थोड़ा सा स्लिम कैटेगरी का होगा, और उसका जो जो मजबूती है ना शरीर की वो स्ट्रांग होगी, वो बिल्ड स्ट्रांग होगा, अच्छा बिल्ड होगा। हाइट एट टाइम्स नंबर वन वालों की छोटी होती है, लेकिन दे आर वेरी स्ट्रेट, मतलब और उनकी वॉक जो होगी ना दे वॉक वेरी फास्ट, उनकी ढीली वॉक नहीं होगी। नंबर टू की वॉक थोड़ी इजी गोइंग होगी। नंबर तीन के अंदर जो फेस होगा ना वो ब्रॉड होगा, बड़ा फेस, बड़ा माथा जो होगा ना वो बड़ा होगा, क्या दिमाग बड़ा, बड़ा दिमाग है ना। तो बड़ा तो नंबर तीन वाला क्या होगा, हमेशा ज्ञान देता हुआ। अनमय जी वेलकम, वेलकम जी, वेलकम सर, थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन योर वीडियो, थैंक यू। तो वो थोड़ा सा ज्ञान देता हुआ मिलेगा। हाईली एम्बिशियस होते हैं, इनमें इनकी एम्बिशन बहुत स्ट्रांग होती है, बट वेरी स्ट्रांग सेल्फ एक्सप्रेशन होते हैं, और अपनी बातों से, अपने बातों के टैलेंट से माहौल को बदलने में बड़े बड़े टैलेंटेड पर्सन होते हैं। सोशल बहुत होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक विचारों वाले होते हैं ये लोग। ये लोग नकारात्मक ऊर्जा वाले नहीं होते, नकारात्मक बातें कम करते हैं, ये लोग ज्यादातर बात सकारात्मक करते हैं। ये लोग जो नंबर तीन वाले होते हैं इनके इनको पढ़ना, मतलब एक जनरल पढ़ना पढ़ना इनको मजा आता है। इनको दे लव रीडिंग्स, दे लव गेटिंग नॉलेज, दे लव अक्वायरिंग मोर एंड मोर नॉलेज एंड वेरी गुड कम्युनिकेटर। ये लोग प्रॉब्लम सॉल्यूशन फाइंडर होते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंडर होते हैं। किसी दो व्यक्ति में वाद विवाद हो रहा हो तो ये उसमें जरूर कूदेंगे और वाद विवाद को सुलझाएंगे शब्दों के वाद विवाद, और जहां पर मार पिटाई हो रही हो ये नमस्ते करके निकल जाएंगे, ये लोग इंटरप्ट नहीं करेंगे। बट जहां वाद विवाद शब्दों का होगा ये लोग कहेंगे आई एम अवेलेबल, मैं इनका समझौता करवाऊंगा। ये नंबर तीन वाली, नंबर तीन, नंबर तीन वाला व्यक्ति अगर उसकी बात अगर नहीं मानोगे तो वो हमेशा इस बात को रिपीट करता रहेगा, मतलब लगातार बोलेगा जी मैंने आपको ऐसा बोला था और आपने ऐसा नहीं किया, मैंने आपको ऐसा बोला था और आपने ऐसा नहीं किया, अब इसका परिणाम जो होगा वो आप देखना, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, मतलब वो कुछ ना कुछ बोलता रहेगा नंबर तीन वाला। दे कीप ऑन पासिंग सम और अदर काइंड ऑफ कमेंट्स। अब अगर नंबर तीन वाली के केस के अंदर नंबर तीन वाइफ आ गई तो वाइफ के साथ क्या होगा, वाइफ हस्बैंड को ज्यादा ज्ञान देती रहेंगी तो ज्ञान झीला रहेगी और वो एक लड़ाई का कारक बन जाता है, क्योंकि नंबर तीन वाला व्यक्ति ज्ञान दिए बिना मानता नहीं है, और वाइफ ज्यादा ज्ञान दे जाए तो हस्बैंड मानता है। यहां पे अगर हस्बैंड नंबर तीन आ गया तो वाइफ को हमेशा बोलेंगे जो मैं जैसे मैं ज्ञान दे रहा हूं वैसे वैसे आप काम करते रहो, और एक नंबर जुड़ गया साथ में तो ज्ञान के साथ लठ भी जुड़ गया, क्योंकि एक नंबर राजा है।
सीधा है ना, डंडा खड़ा हुआ है ना, झुकेगा नहीं। तो वो ज्ञान के साथ साथ ये भी बोल देगा, जो मैं ज्ञान दे रहा हूं उसको मान लेना, उसे कर लेना, अपना दिमाग मत लगाना। व्हाट आई एम सेइंग डू इट, फॉलो मी व्हाट आई एम सेइंग। थोड़ी थोड़ी परिभाषा साथ साथ कनेक्ट करना, ताकि आपको नंबर अप करोगे तो कनेक्ट करने में इजी होगा। इट्स ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी, इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग दी नंबर्स, दैट्स इट। अगर आपने नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स जहन में बिठा लिए, समझ लिए, आप कुछ भी न्यूमरोलॉजी कर लो, न्यूमरोलॉजी हो जाएगी। कुछ भी न्यूमरोलॉजी कर लो, न्यूमरोलॉजी हो जाएगी। नंबर तीन वाला व्यक्ति अपने इर्द गिर्द अपने अपोजिट जेंडर से घिरा रहता है, उसके इर्द गिर्द अपोजिट जेंडर हमेशा मिलेंगे। नंबर तीन वाले, नंबर तीन वाला व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है और अपने अपोजिट जेंडर में एक चार्मिंग पर्सनैलिटी दर्शाता है, और खास तौर से जब उसका अपोजिट जेंडर का व्यक्ति होगा ना, उसको जरूर ज्ञान दे। अगर मेल होगा तो फीमेल को ज्ञान दिए बिना मानेगा नहीं, और फीमेल होंगी तो उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होगी कि लोग उसको सुनना चाहेंगे। ये गोल्डन रूल्स है, ये पहचान है। जब व्यक्ति बोलता है, नंबरों का खेल बता रहा हूं मैं, नंबर एक ऐसी चीज है, द पीपल स्पीक यू एबल टू रिकनाइज व्हाट इज द नंबर ऑफ इट। अगर आपने ये कला सीख ली, आपने न्यूमरोलॉजी सीख, बाकी न्यूमरोलॉजी की तो कुछ ही नहीं होता, ये जमा घटा गुड़ा सब काम अलग अपनी जगह। अगर आपने सामने वाले के शब्द पकड़े और उस पकड़ के आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि इसका कौन सा नंबर प्रोमिनेंट है, आपने न्यूमरोलॉजी जीत ली। और ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, बात करते करते सामने वाले को बोल दो तेरे डेट ऑफ बर्थ के ये दो नंबर प्रमुख है, और वो आपके आपका फैन हो जाएगा उसी समय में। आपको कैसे बोल चला, शब्द बोलते हैं ना, शब्द बोलते हैं, शक्ल बोलती है, शब्द बोलते हैं। नंबर तीन वाला व्यक्ति थोड़ा हेल्दी भी हो सकता है, दूर का नंबर है ना, थोड़ा हेल्दी हो। जहां पे जो बात आपने बोली और उस बात पे उसने व्याख्या नहीं करी, तो वो नंबर तीन नहीं है, वो व्याख्या करेगा ही करेगा, वो व्याख्या करेगा, टूंट निभाएगा, व्याख्या करेगा। नंबर तीन वाला व्यक्ति एक राइट कंपेनियन होता है, राजा का सलाहकार। नंबर तीन, अगर राजा के पास नंबर तीन का सलाहकार नहीं है तो राजा अधूरा है। तो नंबर तीन वाला व्यक्ति सेंसिटिव भी होता है, सोशल भी होता है, कम्युनिकेटर भी होता है, और सेल्फ एक्सप्रेसिव भी होता है। नंबर तीन वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की टॉकिंग, राइटिंग, सिंगिंग, वर्बल स्किल्स, एक्सप्रेशन स्किल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा व्यक्ति, नंबर तीन वाला व्यक्ति बड़ी भीड़ में बात करने के लिए सक्षम होता है, वो बड़ी भीड़ में खड़ा होकर बात कर लेता है अपनी, उसको कोई घबराहट नहीं होती कि मैंने क्या बोला। बट जब नंबर तीन वाला व्यक्ति अगर आमतौर पर नंबर तीन वाला व्यक्ति गलत धारणाओं में या गलत एक्टिविटी में नहीं इंगेज होता, लेकिन अगर ये व्यक्ति अपना पर्पस या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो दे गेट अल्कोहलिक एंड देयर डिजायर्स बिकम अनसेटिस्फाइड एंड दे गेट इन द रॉन्ग डायरेक्शंस। दैट टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर तीन के साथ ये चीजें दिक्कतें नहीं आती, अगर वो बैलेंस मेंटेन करते हैं। नंबर तीन वाले व्यक्ति लॉयल होते हैं और भरोसे के साथ ही होते हैं। नंबर तीन वाले, नंबर दो वाला व्यक्ति मौके पे बात करेगा, नंबर तीन वाला व्यक्ति सदाबहार है। राइट, ये कहते हैं ना सच्चा दोस्त नंबर तीन, सच्चा जोड़ीदार नंबर दो, जोड़ीदार का विश्वास पात्र नंबर दो, दोस्त नंबर तीन, सच्चा कहते हैं ना, हर जो दोस्त वो सही जो हमेशा अपना आईना, हमेशा सबको आपको आईना दिखाए,
पर्सन हमेशा आपको राइट गाइडेंस दे, तो नंबर थ्री। एक नंबर के साथ मैच होते हैं सर, एक नंबर के साथ सारे मैच होते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। नंबर तीन वाला व्यक्ति, नंबर तीन वाले व्यक्ति से आमतौर पे जो प्रॉब्लम आती है, किस टाइप की जनरली प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्रॉब्लम आती है फैट की, लीवर की, डायबिटीज की। ये प्रॉब्लम नंबर तीन वालों से जल्दी आ जाती है, क्योंकि नंबर तीन वालों व्यक्ति को मीठा बहुत अच्छा लगता है, दे लव ईटिंग स्वीट्स। जो कि नंबर तीन वो चेक भी करके देखेंगे, दे लव ईटिंग स्वीट्स, उनको ये समस्या जल्दी आती है। दे आर वेरी गुड ऑन मैनेजमेंट स्किल्स, दे आर वेरी गुड मैनेजर्स, दे आर वेरी गुड मैनेजमेंट पीपल, दे आर वेरी गुड ऑर्गेनाइजर्स, दे आर वेरी गुड इवेंट ऑर्गेनाइजर। किसी भी समूह को चलाने में बहुत सक्षम लोग होते हैं, बैलेंस तरीके से चलाने, इनकी अप्रोच बहुत बैलेंस होती है। ये जजमेंटल होते हैं, जज का काम करते हैं, लेकिन जज होने के साथ साथ इनके पास गलती की माफी भी है। शनि के पास जाएंगे ना, ध्यान रखना, शनि के अंदर ये शनि भी जज है, लेकिन शनि माफ नहीं करता, टिट फॉर टैट, गलत किया तो नतीजा गलत बहुत, वो भी जज है। भाई गुरु का काम जज है ना, शनि में मैंने बोला था जज है, गुरु भी तो डिसिप्लिन है, गुरु भी तो जजमेंटल है, पर गुरु में एक दयालु है, एक माफी है, नेक्स्ट टाइम आप दे कीप जजिंग। तो ये गुरु का नंबर है। गुरु के नंबर वाले लोग अपनी बात को अपने बॉस के आगे रखने में बहुत अच्छे से सामर्थ तरीके से रखते हैं, अपनी बात अपने बॉस के आगे रखने में बहुत सामर्थ, उनको पता है मुझे अपनी बात अपने बॉस के आगे किस तरीके से रखनी है, वरुण। और मजे की बात, उनकी बात, उनका बॉस उनकी बात सुनेगा, रेट करके चलना इस बात को। एक नंबर राजा, तीन नंबर मंत्री। अगर राजा मंत्री की नहीं सुनेगा तो क्या प्रजा की सुनेगा? पहले मंत्री की सुनेगा, बाद में प्रजा की सुनेगा। और तीन नंबर वाला एक नंबर के आगे बात रखने में सक्षम, राजा के आगे बात रखेगा, बेहिचक रखेगा,